हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्विता स्वीकर। आज लेके आई हूँ मसाला पाव की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी एंड इजीली बन जाती है। ये आपके हल्के फुल्के भूखों के लिए बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं मसाला पाव बनाना। इसके लिए मैंने पैन चला दिया, पैन में रिफाइंड ऑयल ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ मैं जीरा ऐड कर रही हूँ। जीरा पक जाने के बाद इसमें प्याज ऐड करूँगी। प्याज को मैंने एकदम छोटे टुकड़े में कट कर लिया है। मैंने प्याज ऐड कर लिया है और इसे मिक्स करूँगी और इसे गोल्डन होने तक थोड़ी देर भूनूंगी। यहाँ प्याज को मिक्स करते रहें। यहाँ देख सकते हैं प्याज का कलर थोड़ी देर में चेंज हो गया है। अब इसमें हरी मिर्च ऐड कर दूंगी। हरी मिर्च को भी मैंने छोटे टुकड़े में कट कर लिया है। हरी मिर्च ऐड करने के बाद इसे मिक्स कर लूंगी। मिक्स करने के बाद इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर। यहाँ पे मैंने एक बड़ी साइज का टमाटर लिया था, उसे भी मैंने छोटे टुकड़े में कट कर लिया है। मैंने टमाटर ऐड कर दिया और इसे मिक्स कर लूंगी और तब तक भूनूंगी तब तक कि टमाटर थोड़ी सी मेल्ट ना हो जाए। थोड़ी देर भून लेने के बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी। यहाँ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया और इसे भी भूनूंगी। ये बहुत ही जल्दी रेसिपी बन जाती है, इसलिए फ्रेंड्स इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें एंड खाएं। बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो यहाँ मैंने थोड़ी देर भून लिया है, तब इसमें पत्ता गोभी ऐड कर दूंगी। इसे मैंने बहुत ही बारीक से कट कर लिया है। आप भी इस तरीके से पत्ता गोभी कट करके ऐड करें। आप चाहे तो पत्ता गोभी के जगह शिमला मिर्च या फिर गाजर, कोई भी वेजिटेबल आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे पत्ता गोभी ऐड किया है और इसे मिक्स कर लूंगी और इसे बस थोड़ी देर भूनूंगी। थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें मसाले ऐड करूंगी। तो मसाले में ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर एंड टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करूंगी। तो सब्जी के अनुसार सारे मसाले ऐड करें और इसे मिक्स कर लूंगी। इसे ड्राई ही भूनना है और इसे बस थोड़ी देर के लिए भूनना है। तो यहाँ मैं अच्छे से इसे भून रही हूँ। थोड़ी देर भून लेने के बाद इसमें ऐड कर दूंगी पाव भाजी मसाला, गर्म मसाला एंड लास्ट में ऐड कर दूंगी धनिया पत्ता। इसे सब्जी का मसाला आपका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ मैंने मिक्स कर दिया और इसे बस थोड़ी देर के लिए भूनना है। तो देख सकते हैं सब्जी एकदम परफेक्ट हो चुकी है। इसे अब मैं गैस पे से उतार दूंगी। तो यहाँ पे मैंने गोल आकार वाली पाव ले लिया है। तो पाव को मैं बीच से कट कर लूंगी। पाव को पूरा नहीं कट करना है, साइड के किनारों से ज्वाइंट ही रहने देना है। इस तरीके से आप भी पाव को कट कर ले। इसी तरीके से मैंने सारे पाव को कट कर लिया है। तो अब इसमें मसाले ऐड करूंगी। तो यहाँ पाव में मैंने जो मसाले रेडी कर लिए थे वो ऐड कर रही हूँ। पूरे पाव में अच्छे से मसाले को रख देना है। तो पाव में मसाले को मैं अच्छे से रख रही हूँ। पूरे पाव में अच्छे से मसाले को पैक कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने पाव में मसाले को रख दिया है। इसी तरीके से मैं आपको दूसरे पाव में रख के दिखा रही हूँ, आप भी सेम प्रोसेस करें। इसी तरीके से मैंने सारे पाव में मसाले को रख दिया है। तो इसके ऊपर आप सेव रख दूंगी, यानी बिकाजी भुजिया रख दूंगी। इससे पाव का टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। तो इसी तरीके से मैंने सारे पाव में बिकाजी भुजिया रख दिया है। तो अब इसे मैं सेक लूंगी। तो चूल्हे पर मैंने उसी पेन में रिफाइंड ऑयल रख दिया है और इसे गर्म होने दूंगी। गर्म होने के बाद इसमें पाव रख दूंगी और थोड़ी देर बाद इसे पलट दूंगी और दोनों तरफ से अच्छी तरीके से पाव को सेक लेना है। तो यहाँ पे मैं पाव को थोड़ी देर में पलट पलट के अच्छी तरह से सेक रही हूँ। स्पून की मदद से इसे हल्का सा प्रेस करके मैं पाव को अच्छे से सेक लूंगी। तो देख सकते हैं पाव एकदम परफेक्ट रेडी हो गया है। फ्रेंड्स इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, बहुत ही परफेक्ट रेसिपी लगती है एंड खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।